देश में तीन तलाक के कानून के बाद अब खरगोन जिला मुख्यालय में तीन तलाक से जुड़ा पहला मामला सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र में रंगेज वाड़ी में नवविवाहिता ने अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचने के अलावा अपने पति पर मारपीट करने और तीन बार तलाक कहकर घर से निकाल देने की शिकायत दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा जेठ जेठानी पर दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित ने परिजनों के साथ एसपी से मुलाकात की, इसके बाद कोतवाली भेजा गया है। यह हम आपको बता दें कि देश में तीन तलाक के कानून को पास कर दिया गया है और अपराध की श्रेणी में अब तीन तलाक को रखा गया है। आगे थाने पर जिस दिन से ब्याह के लगा देना उस दिन से मेरे से दहेज की मांग करता था। बोले 1,00,000 रुपए लाना, मैं गैरेज डालूंगा। तो मैंने बोला पप्पा तो गरीब है, मेरे चाचा चाचू ने शादी करी है। बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए। एक बार तो मैं उसको 10,000 दे चुकी हूँ। फिर उसने लालच पकड़ ली, बोले और लामरीन पैसे। मैंने बोला देखो जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोले मार ठोक करते थे, उसका संबंध मेरी जिठानी से चलता था और मेरे जेठ ने भी मुझे मारी और जिठानी ने भी मारी। और मेरे पति को फ़ोन लगाया और तीन बार उसने तलाक दिलवाया खड़े खड़े, एक सास में उसने तीन बार तलाक। आप क्या चाहते हैं? मेरे को इंसाफ चाहिए। किस तरह जैसे अभी जो नए कानून है उसके तहत क्या इंसाफ चाहिए? नए कानून जो निकला ना उस हिसाब से मेरे को इंसाफ चाहिए। गलत तरीके से तलाक दिया तुमको? हाँ गलत तरीके। उसने मेरे से पूछा भी नहीं कि मैं तुझे तलाक दे रही हूँ। और हमारी जेठ जिठानी का हाथ से तलाक दिला। अभी आप क्या चाहते हो? मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी जान को खतरा है वो घर के अंदर। उनको सजा होना चाहिए? हाँ सजा दिलवाऊँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीन है। कुमारवाड़ा की रहने वाली है आवेदिका अमरीन, पिता खलील बेग। इनकी चौथे महीने में शादी हुई थी तो इनके ससुराल वाले इनको दहेज के लिए परेशान करते थे और इनका जो पति है सद्दाम, उन्होंने इनको तीन तलाक बोलकर तलाक दे दिया। तो इसलिए वो आज थाने पे शिकायत करने आई थी। तो थाने पर धारा 498 और द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन वन मैरिड एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर ये अभी नया जो कानून है ये लागू हो गया है? इस पर लागू हो जाएगा? हाँ, इस पर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन वन मैरिड एक्ट 2019 उसकी धारा 4। इसमें क्या सजा हो सकती है सर? अगर 3 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड भी है।